एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह बीएड में नामांकन से संबंधित है। बहुत सारे विद्यार्थी इस साल बीएड में नामांकन कराना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि बीएड में नामांकन कराते समय किन किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कम से कम बीएड करने में समस्या न हो और साथ ही सरकारी नौकरी प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। तो किन किन बातों पर हम ध्यान दें तो इस सब समस्याओं से हम बच सकते हैं, क्योंकि नामांकन कराने से पहले अगर हम इन सभी बातों को जान जाते हैं तभी हमको लाभ है। लेकिन अगर हम नामांकन करा लिए तो उसके बाद तो कॉलेज चेंज होगा नहीं। अतः नामांकन कराने से पहले आप निश्चित रूप से यह जानकारी इकट्ठा कर लें कि बीएड करने से पहले मुख्य रूप से किन किन बातों पर ध्यान अगर हम देते हैं तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में या फिर बीएड करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इस बातों को हम ध्यान में रखकर कम से कम 15-20 कॉलेज के लेक्चरर से हमने इस टॉपिक पर बात की, खासकर जो शिक्षक नियोजन में भी अब जा चुके हैं उनसे भी अब बात की कि बीएड में करते समय या बीएड में नामांकन कराते समय कौन कौन बातों पर अगर विशेष रूप से विद्यार्थी ध्यान दें तो निश्चित रूप से उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो सीधे चलते हैं कि जो हम 10-15 लोगों से 20-25 लोगों से जो खासकर शिक्षक नियोजन में भी सम्मिलित हुए थे उनसे बात की, तो उन्होंने जो बताया उसको हम एक जगह इकट्ठा किए हुए हैं कि अगर इन बातों पर अगर आप नामांकन कराने से पहले ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बीएड करने एवं बीएड पास करने के बाद आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो कौन ऐसी मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान हम रखते हैं, जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमको समस्या नहीं आएगी, उसमें सबसे पहला है, ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बातों पर ध्यान देना है, लेकिन उन सभी में अगर सबसे अगर मुख्य है तो वह है कॉलेज की मान्यता। तो एक नंबर पर ध्यान दीजिए कि अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आप जिस कॉलेज से बीएड करना चाह रहे हैं उसकी मान्यता है कि नहीं है। अगर मान्यता नहीं है तो समझिए कि आपका पूरा श्रम, समय एवं पैसा बेकार हो जाएगा। तो पहला हुआ कि अगर आप बीएड में नामांकन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आप जिस कॉलेज से बीएड करना चाह रहे हैं उसकी मान्यता है कि नहीं है। तो अब हुआ कि मान्यता की जांच कैसे करेंगे, तो मान्यता की जांच करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको पुनः रिपीट करते हैं कि अगर किसी भी बीएड कॉलेज की मान्यता NCTE से मिलती है, जी हाँ, किसी भी बीएड कॉलेज की मान्यता NCTE से मिलती है, तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं जिस कॉलेज से तो सबसे पहले आप NCTE की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जिस कॉलेज में आप नामांकन कराना चाहते हैं उसकी NCTE से मान्यता है अथवा नहीं है। अगर NCTE के वेबसाइट में उस कॉलेज का नाम नहीं है तो समझिए कि वो कॉलेज सही नहीं है, चाहे हिंदुस्तान का किसी भी स्टेट का कॉलेज हो। लेकिन अगर NCTE के पर किसी कॉलेज का नाम है तो समझिए कि वो कॉलेज जो है सही है, आप उसमें नामांकन ले सकते हैं। आपको बताते चलें कि एक वीडियो में हम नेक्स्ट बताएंगे कि NCTE की वेबसाइट पर कॉलेज के जांच हम कैसे करते हैं, वो अगले वीडियो में हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि किस प्रोसेस से हम किसी भी कॉलेज का नाम NCTE की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो अगर इसके आप चाहते हैं चेक करने की विधि जानना तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लें। तो अभी हुआ हमारा कि कॉलेज बीएड में नामांकन कराने से पहले सबसे पहले हम कॉलेज के मान्यता की जाँच करना चाहिए। इसके बाद दूसरा है कॉलेज की स्थिति। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी जो है अदर स्टेट में बीएड कॉलेज में नामांकन करा लेते हैं, या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आनन फानन में किसी न जानते हुए किसी कॉलेज में नामांकन करा लेते हैं, जबकि आपको जानकारी होना चाहिए कि बीएड का कोर्स 2 साल है और 2 साल वहाँ आना जाना है। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 4 परीक्षाएँ होगी, एनुअल सिस्टम है तो कम से कम 2 बार परीक्षाएँ होगी, इसके अलावा कई बार आपको कॉलेज में जाना रहता है। तो जो है आप नामांकन कराने से पहले
कॉलेज की स्थिति अवश्य जान लें कि कॉलेज यह रोड के पास है कि नहीं है। अगर मेन रोड के पास है तो आपको 2 साल या मार्कशीट लेने तक कई बार हजारों बार जाना होगा, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर जो कॉलेज जो है रूट पर नहीं है, आउटसाइड में है, तो समझिए कि वहाँ पर नामांकन लेने में आपको अनेक प्रकार की समस्याएँ आ सकती है। तो जो कॉलेज रोड के पास नहीं है, आउट में है, तो वहाँ पे आप नामांकन लेने से बचिए, क्योंकि आपका 2 साल का कोर्स है, कम से कम हजारों बार वहाँ जाना जरूरी है। तो इस प्रकार जो है आपका समय, श्रम, पैसा, सभी चीज़ों की बर्बादी होती है। तो पहला हुआ कि कॉलेज की मान्यता की जांच करेंगे, और दूसरा कि कॉलेज की स्थिति देखेंगे कि कॉलेज जो है सही लोकेशन में है कि नहीं है, तभी हम वहाँ पर नामांकन लेंगे, अथवा लोकेशन पर नहीं है तो नामांकन हम उस कॉलेज में नहीं लेंगे। अब तीसरा हुआ कि अब तीसरी किन बातों पर ध्यान हमको रखना चाहिए। बीएड में नामांकन कराते समय तीसरी जो बात है जानने योग्य वह है कि कॉलेज में लाइब्रेरी है कि नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी है कि बीएड करने के बाद आपको शिक्षा से जुड़ाव है, अगर कॉलेज में लाइब्रेरी ही नहीं रहेगा, पुस्तक ही नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से आप बहुत सारा पुस्तक खरीद के पढ़ना संभव नहीं है। अतः जो तीसरा जो मुख्य बात है जो नामांकन कराते समय देखा जाना चाहिए वह है कि कॉलेज की लाइब्रेरी। उसके लिए आप कॉलेज में नामांकन से पहले जा सकते हैं, या फिर कॉलेज की वेबसाइट को चेक करके आप जान सकते हैं कि उस कॉलेज में लाइब्रेरी की स्थिति क्या है, पुस्तकों की स्थिति क्या है। इसके लिए आप उस कॉलेज के पहले के छात्रों को भी पूछकर सहारा ले सकते हैं। अगर कॉलेज की लाइब्रेरी अच्छी नहीं है तो समझिए कि वहाँ पर भी आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। इस प्रकार हमारा तीसरा हुआ कि कॉलेज की लाइब्रेरी। तो पुनः रिपीट करते हैं कि अगर आप इस साल बीएड में नामांकन कराना चाहते हैं, या फिर आपका कोई साथी या घर के कोई अन्य व्यक्ति बीएड में नामांकन कराना चाहता है, तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है वह है कि कॉलेज की मान्यता नहीं है, जिसकी जाँच NCTE की वेबसाइट पर होगी। दूसरा है कि कॉलेज की स्थिति क्या है, कॉलेज मेन रोड पर है कि नहीं है, आउटसाइड में तो नहीं है, अगर आउटसाइड में है तो अनेक प्रकार की समस्याएं आपको आएगी, 2 साल में कम से कम हजारों बार आपको कॉलेज जाना होगा, उससे भी समस्या आती रहेगी, तो कॉलेज का लोकेशन सही होना चाहिए। और तीसरा जो भी हम बताएं कि कॉलेज में लाइब्रेरी, क्योंकि अब आप पढ़ते हैं, शिक्षक बनना है तो आपको पुस्तकों से संबंध रहना ही होगा, आप एक गाइड खरीद कर सिर्फ नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए कॉलेज की लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा तीसरा। चौथा हुआ कि कॉलेज में लैब। जी हाँ, जिस आप कॉलेज में जा रहे हैं नामांकन कराने के लिए, वहाँ पर अत्याधुनिक लैब है कि नहीं है, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, आज के डेट में वहाँ लैपटॉप है कि नहीं है, अगर आप उस कॉलेज में लैपटॉप की व्यवस्था नहीं है, लैपटॉप के माध्यम से बच्चों का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, तो उनको समस्या या उनको आज बीएड आज के डेट में करना उतना लाभप्रद नहीं होगा। लेकिन जिस कॉलेज में कंप्यूटर के जगह पर लैपटॉप की व्यवस्था हो, तो समझिए कि वहाँ पर निश्चित रूप से उचित प्रशिक्षण मिलता है, क्योंकि लैपटॉप का जमाना है। अतः जो है आप नामांकन कराना चाहते हैं तो चौथी बात यही है कि जिस कॉलेज में आप नामांकन कराना चाहते हैं वहाँ पर उचित कंप्यूटर लैब, जहाँ पर जो है लैपटॉप से सुशोभित कमरा अवश्य होना चाहिए, अगर यह व्यवस्था आपके कॉलेज में है तो आप निश्चित रूप से वहाँ नामांकन अवश्य कराएं। इसके अलावा अगला है जो कॉलेज के फीस है। तो कॉलेज के फीस में कोई विभेद अंतर है नहीं, क्योंकि नामांकन कराते समय ही विश्वविद्यालय या फिर जो कंबाइंड, उन्हें एक बार रिपीट कर देते हैं कि फीस के बारे में कोई मतभेद है नहीं, क्योंकि जब सरकार कंबाइंड टेस्ट लेकर परीक्षा लेकर नामांकन करा रही है तो फीस तो कहीं पर भी नामांकन कराइए, फीस में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, अतः फीस के बारे में कोई विशेष सोचने की समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी जो है आपको जान लेना चाहिए कि नामांकन कराते समय आपके पास जितना पैसा सरकार ने रखी है उतना आपके पास है कि नहीं है, खासकर आज की डेट में जो बीएड में नामांकन कराने का फीस है 2 साल का 1.5 लाख रुपया है। तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में किसी तरह नामांकन करा लिए और बाद में आपका बजट गड़बड़ा गया। तो आप जो है बीएड में नामांकन कराने समय आप अपने बजट के बारे में अवश्य
से सोच लें कि हमको 1.5 लाख सिर्फ फीस के रूप में और अन्य खर्चे जो है 20 से 30 हज़ार अवश्य आ जाएंगे। तो इतने पास आपका बजट है तो ही आप बीएड में नामांकन कराएं, अदरवाइज आपको भी समस्या आएगी और विद्यालय प्रशासन प्रबंधन को भी समस्या आएगी। तो पांचवी जो बात है कि बीएड में नामांकन कराते समय आपको फीस के बारे में अवश्य जान देना चाहिए, अपने बजट के बारे में अवश्य जानना चाहिए कि हमारे पास उतना खर्चा करने के लिए पैसे हैं कि नहीं है। अगला है कॉलेज में कुशल शिक्षक। जी हाँ, ये भी ध्यान देना चाहिए कि जिस कॉलेज में आप नामांकन कराने जा रहे हैं वहाँ पे शिक्षक हैं कि नहीं है, उचित ढंग से पढ़ाई होती है कि नहीं है। अगर सही प्रशिक्षण देने वाले ही प्रशिक्षित नहीं हैं तो आपको निश्चित रूप से समस्या आएगी। तो ये भी जानकारी ले लें कि जिस कॉलेज में आप नामांकन कराना चाहते हैं वहाँ के कुशल शिक्षक जो है आपको सही मार्गदर्शक दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है अपना खुद उनकी जानकारी नहीं रहती है तो आप किस प्रकार की जानकारी देंगे। इस प्रकार आप नामांकन कराने से पहले ये भी आप समझ लें कि जिस कॉलेज में आप नामांकन कराने जा रहे हैं वहाँ के शिक्षक जो है खुद जो है अनुभव वाले हैं या अनुभव वाले नहीं हैं। अगर अनुभव वाले हैं तो भी आप वहां पर जाकर अपना नामांकन कराएं, अदरवाइज ऐसे कॉलेज में नामांकन नहीं कराएं। तो हमारा ये पांचवा हुआ, पुनः रिपीट करते हैं। पहला हुआ कि नामांकन कराने से पहले सबसे पहले आप कॉलेज की मान्यता के बारे में जांच करें कि कॉलेज की मान्यता है कि नहीं है। दूसरा, कॉलेज की स्थिति के बारे में कि कॉलेज का लोकेशन सही है कि नहीं है, कॉलेज रोड पर है कि नहीं है। तीसरा, कि कॉलेज के जो है लाइब्रेरी है कि नहीं है। चौथा, कॉलेज में लैब कंप्यूटर लैब है कि नहीं है और वहाँ कंप्यूटर की जगह पर वहाँ पर लैपटॉप की व्यवस्था है कि नहीं है। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो समझिए वो कॉलेज अच्छा है, वहाँ पे अपना नामांकन करा सकते हैं। अब अगला हम चलते हैं कि अब कौन कौन से चीज़ हैं जो बीएड में नामांकन कर सकते हैं। बीएड कॉलेज में नामांकन कराते समय अगर इन छह बातों को आप जान गए हैं तो अगला है कि जिस कॉलेज में आप नामांकन कराने जा रहे हैं उस कॉलेज का वेबसाइट है कि नहीं है। जी हाँ, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट के माध्यम से आप कॉलेज के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप जो है ये भी पता कर लें कि आप जिस कॉलेज में नामांकन कराने जा रहे हैं उसका वेबसाइट है कि नहीं है, उस वेबसाइट पर उस कॉलेज का ईमेल है कि नहीं है, या फिर उसको वेबसाइट पर वहाँ का फ़ोन नंबर है कि नहीं है, जिनकी सहायता से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप जिन कॉलेज में नामांकन कराने जा रहे हैं उस कॉलेज का अपना वेबसाइट अवश्य हो, साथ ही वहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर भी दिया रहे जिसकी सहायता से आप उस कॉलेज के लोकेशन के बारे में ध्यान अवश्य दे सकें। तो अगला है कि और कौन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी एक और है, समय पर परीक्षा। जी हाँ, कोई कोई यूनिवर्सिटी बहुत लंबा है या वहाँ पर समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अपनी परीक्षाएं समय पर लेती हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो 2 साल का कोर्स कराने में 4 साल 3 साल तक लगा देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो समय पर परीक्षाएं लेती हैं। अभी देखिए जैसे मौलाना मजहरुल हक का जो कॉलेज हैं वहाँ पर समय पर परीक्षाएं और रजिस्ट्रेशन हो पाती हैं, पिछले साल भी वहाँ पर समय पर परीक्षाएं हुई हैं। तो उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के अब कॉलेज में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो बिहार में हमको लगता है कि आपको एक लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार जो है आप समझ गए होंगे कि अगर इन बातों पर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार का बीएड करने में समस्या नहीं आएगी और नौकरी प्राप्त करने में आपको बताते चलने जो शिक्षक नियोजन में जो लोग हैं बताते हैं कि जो है जो विद्यार्थी जहां से सर्टिफिकेट लेके आते हैं उसकी जांच एनसीटी की वेबसाइट से ही की जाती है। तो पहले ही आप एनसीटी की वेबसाइट से देख लें कि इस कॉलेज की मान्यता नहीं है, अगर हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि अगर इन बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बीएड करने में उसके बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इन टॉपिकों को अलग अलग आपको बताएंगे अलग अलग वीडियो में, लेकिन आप चाहते हैं कि
इन सभी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करें, बीएड की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार का जो है लाभ मिलता है, बीएड करने से लाभ क्या है, उसकी चेक कैसे करें, तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें के बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें, तो उससे लाभ आपको मिलेगा। साथ ही चूँकि यह चैनल नया है, अतः इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद करें।